एक सिंगर के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी के लिए गाया हुआ गाना और उनके बीच हुई वार्तालाप सत्संग को सुने और वो आपने अच्छा हाँ आपको कल सुनाया तो हमने कहा सबसे ज्यादा प्रशंसनीय बात ये कि आपका शब्दों का जो चयन है वो कमाल का है, मतलब हाँ, क्योंकि शब्दों का बात तो शब्दों की है ना, आपने जो शब्द मतलब एक तीन मिनट में पूरे जीवन की बात बता दी, पूरी जहां रह रहे वहां तक की बात बता दी आपके नहीं प्रशंसनी वैसे मतलब भगवत कृपा से होता है, पर शब्दों का चयन करना अच्छा, किसी व्यक्ति के लिए गाना एक अलग चीज होती है, किसी महात्मा के लिए गाना ये बड़ी विकट चीज होती है, क्योंकि अगर शब्द चुक गया तो अपराध भी बनने की संभावना होती है। वैष्णव हो आप समझो, एक एक शब्द मतलब तो हमें लगा कि श्री जी की कृपा है आपकी दया और बड़ा मस्त मतलब अब तो देख के ला एकदम ये ले कि आप हमारे विषय में मतलब एक आप जो वो महाराज जी जब सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे एकदम कहते महाराज जी की काल को भी जो जीत सकता है दुख सब घटे नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन घटे है। बहुत बहुत सुंदर मतलब ये भगवत कृपा से जैसे आपके अंदर स्पिरिट हुआ ना, संसार के तो बहुत लोग बनाते हैं उनका कोई महत्व तो नहीं, वाणी अशुद्ध हो जाती है, जब हम प्रभु और प्रभु के दासों के प्रति बोलते हैं तो हमारी वाणी पावन हो जाती है और वो जगत प्रशंसनीय हो जाती है। महाराज श्री वृंदावन के लिए आप जैसे संतों के लिए जो भी अच्छा कार्य कर रहे धर्म क्षेत्र में उन सब सिर्फ महानुभावों के लिए ही करता हूं। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लाओ इनको श्री जी का माला पहना दो। ये छोटी सी बच्ची आपका नाम जपती है श्री राधा वल्लभ सुंदरी। बहुत आशीर्वाद मेरी पूरी टीम को सबको आशीर्वाद दीजिए, इसी तरीके से धर्म क्षेत्र में हम लोग गाते रहे और नाम जप करते रहिए, और कभी कोई गंदा आचरण का अवसर आए तो मत कीजिए, क्योंकि जगत मार्ग में ऐसी लुभावने वृत्तियां आती हैं, अगर आप अधर्म और असत आचरण नहीं करेंगे ना तो ये उन्नति आगे से आगे बढ़ती जाती है। प्रश्न था छोटा सा जी, मतलब हमें ठाकुर जी से कभी गुस्सा होने का अधिकार है? पूरा अधिकार है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं जब उनसे प्यार कर सकते हैं तो हम प्यार में ही नाराज होते हैं उनसे, नहीं नाराज होते। जैसे छोटा बच्चा है अब वो पालित और पोषित अपने पिता से, अब अगर उसकी कोई मांग है और वो नहीं होता तो पिता की छाती में चढ़ करके वो उन्हीं को गुस्से से मरता है, हमको ला दो ला, तो वो उसका प्यार कर, हम लोगों का जो प्रभु के प्रति प्रणय को होता है वो ऐसा नहीं होता, वो प्यार वाला होता है कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हो मुझे बचा सकते थे, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो मुझे बचा लीजिए, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो या तो इस कामना को नष्ट कर दीजिए या कामना की पूर्ति कर, मतलब अपने जैसे बच्चे अपने पिता से लड़ते ऐसे हमारा अधिकार है प्रभु से कहने का, उसमें कोई अब वो ऐसी थोड़ी लड़ाई होती है कि शिशुपाल की तरह गाली दे कंस की तरह बैर करे, ऐसा नहीं होता है, पर होता है कभी कभी होता है कि जब उपासक जो है हार महसूस करता है तो अपने प्रभु की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि आप ऐसा कर सकते थे, आप स्वामी हो, जबकि अभी भक्ति की ऊंचाई नहीं आई है इसलिए ऐसा हो सकता है, और ऐसा करने से प्रभु को सुख भी मिलता है, अपनापन दिखाई देता है ना, अपनेपन का सुख प्रभु देखते कि अपनेपन से ही मुझसे लड़ रहा है, अपनेपन से, समझ रहे? मैं कभी कभी लड़ाई कर लेता हूँ इसलिए ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक सच्चाई है और ये सच्चाई उनकी है जो वृंदावन में रहते हैं, उनका नाम है श्री हित प्रेमानंद, उनके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश, सुनो। आ जाओ मैं गा रहा वो सच्ची एक कहानी है, वर्णन करता जिसका मैं वो महापुरुष महाज्ञानी है, बातें उनकी सुन के देखो बदले पीढ़ी आज की, ये दुनिया है दीवानी मेरे प्रेमानंद महाराज की, सिखाते दुनिया को आनंद में वो रहते हैं, राधा नाम का जाप करो यही बात वो सबसे कहते हैं, राधा राधा जपते जपते जीवन उन पे वार दिया, लाड़ लीजी करती कृपा लोगों ने भी प्यार दिया।
डायलिसिस की बीमारी का रोग उनके तन में है। बनारस से वृंदावन और शिव आज भी उनके मन में है। ब्रज में राधा नाम मिला तो जीवन उनके नाम किया। हर रोग तन का मिट गया जब राधा नाम का जाप किया। एक समय ऐसा भी था जब महाराज जी परेशान हुए, किडनी दोनों फेल हो गई, खतरा आया जान पे। पर महाराज जी मुस्काते हैं ना छोड़े अपनी आस को, वो कहते काल बिहारे जिन्हें राधे पे विश्वास हो। उम्र थी 13 साल की जब लिया संन्यास, मन में अपार श्रद्धा गंगा तट पे था निवास। ना खाने की है चिंता ना पीने का है ठिकाना, मिल जाए तो ठीक वरना भूखे पेट सो जाना। ना खाने की चिंता है ना पीने का ठिकाना, मिले तो ठीक वरना भूखे पेट ही सो जाना। डायलिसिस हो रहा है, किडनी भी फेल है, लेकिन फिर भी सब चल रहा है, ये बिना श्री जी की कृपा के संभव ही नहीं है। महिमा उनकी देखो जिनके पीछे मुरली वाला है, हंसते हंसते उनको तो बस लाडली ने पाला है। किडनी दोनों फेल, डॉक्टर भी हैरान है, मुमकिन नहीं था बचना लेकिन आज उसमें प्राण है। हाँ देख के महाराज जी को दुनिया करती है प्रणाम, महाराज जी बता रहे यहाँ सबसे बड़ा राधा नाम। नाम की ही महिमा है तभी तो मिलने आते लोग, ब्रज के हैं दीवाने वो और ब्रज का ही पाते भोग। सबसे करते प्रेम करते दिल से है सम्मान भी, उनसे मिलने आता भारत क्रिकेट का कप्तान भी। डूब जाते रस में सब, ऐसी उनकी बोली है, वो सबको एक मानते आम इंसान हो या कोहली है। बनारस में तुलसी घाट की जगह वो पावन, वहाँ बैठे बैठे सोचा कैसा होगा वृंदावन। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वो ध्यान में, शिव ने करी कृपा तो आए वृंदावन धाम में। हाँ ऐसे है वो संत जिनको प्राप्त दिव्य ज्ञान, अधम है खुद को मानते इसीलिए महान। किडनी दोनों फेल फिर भी करते सारे काम, 3 बजे उठ के सुबह करते वो स्नान। हाँ पीले हैं वस्त्र और मस्तक पे लगा चंदन, जो भी जाता उनसे मिलने सबका करते वो अभिनंदन। शब्द नहीं पास मेरे उनके लिए क्या कहूँ, बड़ा दुर्लभ होता है ऐसे संतों का दर्शन। श्री राधा केली कुंज जहाँ उनका निवास है, श्री वृंदावन धाम में वो परिक्रमा मार्ग है। वराह घाट आश्रम के सामने वाली गली में महाराज जी से मिलने का मात्र वो स्थान है। करता हूँ प्रणाम मैं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया प्रेमानंद जी महाराज को। राधा राधा जपते वो दिन हो या सुबह शाम हो, उनके चरणों में मेरा कोटि शह प्रणाम हो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरुदेव।